हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैकियोनिक टेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11, विच इज लाइंस एंड लाइंस। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर क्लिक कर दो। तो फर्स्ट स्टोरी है हुज लाइन इज इट, तो किसकी लाइन है। टुडे देयर इज अ क्रिकेट मैच इन फातिमा स्कूल, तो यहाँ पर यह है फातिमा और फातिमा के स्कूल में एक क्रिकेट मैच है। यह है जसबीर और यह है राइमा। देर इज अ क्रिकेट मैच इन फातिमा स्कूल। फातिमा, जसबीर एंड राइमा हैव ईच ब्रॉट देयर ओन स्टंप फ्रॉम होम। फातिमा, जसबीर और राइमा तीनों ने अपने अपने घर से स्टंप्स लेके आए हैं। दे कीप दीज इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वो क्या करते हैं, वो जो स्टंप्स वो लाए हैं एक रूम के कॉर्नर में वो रखते हैं। फातिमा स्टंप को कुछ इस तरह से रखती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। जसबीर स्टंप को कुछ इस तरह से रखता है उसे हम कहते हैं स्लांटिंग पोजीशन। और राइमा स्टंप को कुछ इस तरह से रखती है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग पोजीशन। फातिमा कीप्स हर स्टंप इन स्टैंडिंग पोजीशन कुछ इस तरह से। जसबीर कीप्स हिज स्टंप इन स्लांटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से। और राइमा कीप्स हर स्टंप इन स्लीपिंग पोजीशन कुछ इस तरह से। टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट देयर स्टंप्स, दे ड्रॉ लाइन्स इन अ नोटबुक, तो दूसरों को दिखाने के लिए कि फातिमा, जसबीर और राइमा ने अपने अपने स्टम्प्स कैसे लिखे हैं, वो एक नोटबुक में लाइन्स बनाते हैं कि हमने इस तरह से हमारे स्टम्प्स रखे हैं। फातिमाज ड्रॉज अ स्टैंडिंग लाइन, फातिमा चूँकि ये है वो इस तरह का एक स्टैंडिंग लाइन बनाती है। जसबीर ड्रॉज अ स्लांटिंग लाइन, जसबीर एक स्लांटिंग लाइन बनाता है। राइमा ड्रॉज अ स्लीपिंग लाइन, राइमा एक स्लीपिंग लाइन बनाती है। तो क्वेश्चन है कि मैच द पिक्चर ऑफ ईच चाइल्ड विद द करेक्ट लाइन, तो फातिमा एक स्टैंडिंग लाइन बनाती है और स्टैंडिंग लाइन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फातिमा ने स्टंप को इस तरह से रखा था, तो जो वो नोटबुक पर लाइन बनाएगी वो कुछ इस तरह से होगा। तो नोटबुक पर जो लाइन होगा उसका कुछ इस तरह से होगा, तो वो होगा स्टैंडिंग लाइन। तो हमें मैच करना है जो लाइंस उन लोगों ने बनाए हैं। तो फातिमा ने स्टैंडिंग लाइन बनाई थी, तो फातिमा को हम मैच करेंगे इससे। नेक्स्ट जसबीर, जसबीर ने स्लांटिंग लाइन बनाई थी और अगर हम जसबीर को देखें तो उसने स्टंप को कुछ इस तरह से रखा था, और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें नोटबुक पर तो वो लाइन कुछ इस तरह से होगी जो कि एक स्लांटिंग लाइन है। तो हमें जसबीर को स्लांटिंग वाले लाइन से मैच करना होगा जो कि ये है। और नेक्स्ट है राइमा, राइमा ने स्लीपिंग लाइन बनाया था, तो ये है एक स्लीपिंग लाइन और ये मैच होगा इस वाले फिगर से। नेक्स्ट इज हियर आर सम स्टैंडिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस एंड स्लीपिंग लाइंस, नाउ ड्रॉ सम मोर लाइंस, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग लाइंस है, स्लांटिंग लाइंस है और स्लीपिंग लाइंस है, और वो कह रहे हैं कि नाउ यू ड्रॉ सम मोर सच लाइंस, तो हमें कुछ और लाइंस बनानी है इस तरह से। तो ये है स्टैंडिंग लाइंस, तो आप यहाँ पर कुछ और स्टैंडिंग लाइंस बनाओ इस तरह से, जैसे ये एक स्टैंडिंग लाइन है, ये एक स्टैंडिंग लाइन है और ये कुछ स्लांटिंग लाइंस है, तो आपको भी इस तरह से कुछ स्लांटिंग लाइंस बनानी है। जैसे ये एक स्लांटिंग लाइन है, यहाँ पर हम एक स्लांटिंग लाइन बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये है एक स्लीपिंग लाइन, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से कुछ स्लीपिंग लाइंस बना सकते हैं। प्लीज़ जब आप बनाओ तो आप कोशिश करो कि ये स्ट्रेट लाइन हो, और आप एक रूलर का या पेंसिल बॉक्स का यूज़ करके आप इन्हें बनाओ। जैसे यहाँ पर जसबीर कहता है कि आई कैन ड्रॉ लाइंस विद द साइड ऑफ माई पेंसिल बॉक्स, तो वो अपने पेंसिल बॉक्स के साइड को यूज़ करके लाइंस बना सकता है या लाइंस बना रहा है, तो आप भी उसे यूज़ करके इन लाइंस को बनाओ। फातिमा कहती है आई कैन ड्रॉ लाइंस विद अ स्केल, तो मैं स्केल यूज़ करके लाइंस बना सकती हूँ, तो वो एक स्केल यूज़ करके इन लाइंस को बनाती है। और राइमा कहती है कि आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइंस विद ओनली माई हैंड, मैं सिर्फ अपने हाथ का यूज़ करके लाइंस को बना सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप भी एक काम करो, एक बारी एक स्केल यूज़ करके स्ट्रेट लाइंस बनाओ, स्लांटिंग लाइंस बनाओ और स्लीपिंग लाइंस बनाओ, और इस तरह से फिर नेक्स्ट राइमा के जैसे बिना किसी स्केल को यूज़ किए आप इस तरह के जो लाइंस हैं यहाँ पर, इस तरह के जो लाइंस हैं, इन सब लाइंस को बनाओ और फिर आप देखो कि आप कैसे विदाउट स्केल कितना अच्छा आप बना सकते हो। नेक्स्ट इज एकताज लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दीज आर कर्व्ड, तो कर्व्ड का लाइन का मतलब होता है ये लाइन, इस तरह की जो लाइंस होती है उसे हम कहते हैं कर्व्ड।
कर्व्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट नहीं होती, एकदम सीधी नहीं होती। तो जो स्टैंडिंग लाइंस होती है और जो स्लीपिंग लाइंस होती है और जो स्लांटिंग लाइंस होती है वो कर्व्ड लाइंस नहीं होती, ठीक है। कर्व्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती है। तो ड्रॉ मोर कर्व्ड लाइंस बाय जॉइनिंग द डॉट्स। तो हमें और भी कर्व्ड लाइंस बनाने हैं डॉट्स को ज्वाइन करके। तो जैसे यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, चलिए हम भी कुछ कर्व्ड लाइंस बनाते हैं जॉइंट्स को डॉट करके, डॉट्स को ज्वाइन करके। तो ये एक कर्व्ड लाइन हो गया। हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से, ये एक और कर्व लाइन हो गया, इस तरह से एक और कर्व लाइन बना सकते हैं इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करके। उसके बाद एक कर्व लाइन हमारा कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप भी कर्व लाइंस बनाओ, और जैसा लाइन आप बनाना चाहो आप उस तरह का लाइन आप बनाओ, ठीक है। तो ये एज अ होमवर्क आप करो। नेक्स्ट इज फन विथ लाइंस। जिज्ञासा हैज अ क्लॉक। जिज्ञासा के पास एक क्लॉक है, ये है एक क्लॉक। शी कैन रीड द टाइम रिटन इन नंबर्स एंड ऑल्सो द डे ऑफ द वीक। तो ये इस क्लॉक में टाइम दिया हुआ है और जो डे है वीक का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अगर आपको डेज ऑफ द वीक नहीं पता है तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर था चैप्टर, उसको आप पढ़ लो और फिर आप इस चैप्टर में आओ। तो यहाँ पर इस क्लॉक में दो तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर ये टाइम बताता है और यहाँ पर डे ऑफ द वीक बताता है। नंबर्स और लेटर्स आर रिटन विद स्ट्रेट लाइंस। तो जो नंबर्स और लेटर्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू लिखे हुए हैं। क्वेश्चन इज जिज्ञासा मेड मोर नंबर्स एंड लेटर्स विद यूज्ड मैच स्टिक्स। जिज्ञासा ने क्या किया, उसने देखा कि ये जो क्लॉक है इसमें कुछ इस तरह से नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये एक स्लीपिंग लाइन है। तो फिर से अगर हम इस टी को देखें तो ये टी दो स्ट्रेट लाइंस के सहारे बना हुआ है एंड बोथ आर स्टैंडिंग लाइन्स। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है टी का, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है बट इट इज़ अ स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स को यूज करके लेटर्स और नंबर्स जिज्ञासा बना रही है। तो क्वेश्चन इज कम मेक सम मोर। तो आपको कह रहे हैं कि कलेक्ट यूज्ड मैच स्टिक्स, आप कुछ यूज्ड मैच स्टिक्स कलेक्ट करो। हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर्स विद दीज। तो जैसे कि ये एक लेटर है थ्री, इस तरह से आप कुछ मैच स्टिक्स यूज्ड मैच स्टिक्स उठाओ और इस तरह से आप उन्हें रखो और इस तरह से कुछ नंबर्स और लेटर्स आप अपने घर पर बनाओ। जैसे ये थ्री है, यहाँ पर जिस तरह से ये टू है। तो और फिर आप आइडेंटिफाई करो कि उन लेटर्स में स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है दिस इज अ स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लीपिंग स्लीपिंग लाइन। और ये जो नंबर, ये जो लाइन है दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ लिखेंगे। तो आप इस तरह से बनाओ और आइडेंटिफाई करना सीखो कि स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस क्या क्या है। नेक्स्ट इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद मैच स्टिक्स। क्या कोई ऐसा नंबर या लेटर है जो आप मैच स्टिक्स के थ्रू नहीं बना सकते हो? तो इसका आंसर है नो। ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक आप सारे लेटर्स को ट्राई करो मैच स्टिक से बनाने का, देखो कि क्या कोई आप लेटर नहीं बना पा रहे हो। तो आंसर है नो, आप सारे लेटर्स को बना पाओगे यूजिंग मैच स्टिक्स लाइक दिस। और सारे नंबर्स जीरो से लेकर के नाइन तक, जितने भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे नंबर्स को आप बना सकते हो यूजिंग मैच स्टिक्स। नाउ राइट सम मोर नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स। तो आपको कह रहे हैं कि आप कुछ और नंबर्स बनाओ यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स। आपके जितने भी फेवरेट नंबर्स हैं जैसे कि 32 15 17, सारे नंबर्स को आप बनाओ यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आपको 15 बनानी है तो आप मैच स्टिक्स के थ्रू आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, चलिए मैं 15 ड्रॉ करता हूँ। ये दूसरा मैच स्टिक लो इस तरह से, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 1। और फिर नेक्स्ट हमें बनानी है 5, तो हम एक मैच स्टिक लेंगे उसे इस तरह से रखेंगे और उसके बाद
एक और मैच स्टिक लेंगे, उसे इस तरह से कुछ रखेंगे, उसके बाद एक मैच स्टिक और लेंगे, उसे ऐसे रखेंगे, तो ये होगा हमारा इस तरह से 5। तो आप इसे घर पर अच्छे से करना स्टूडेंट्स, ये लाइंस जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए, स्लांटिंग नहीं होने चाहिए। तो ये हुआ हमारा 15, जो एक नंबर है जो हमने बनाया। तो इस तरह से आपके जितने भी फेवरेट नंबर्स हैं आप उन्हें ट्राई करो। व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, विच वंस आर ईजी? तो क्वेश्चन इज, ए टू जेड जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे ईजी होते हैं स्ट्रेट लाइन से, और ख़ास करके जो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 0, ये सब जो नंबर्स होते हैं, 5, ये सारे जो नंबर्स हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं। फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटन विथ स्ट्रेट लाइन्स, तो आपको ढूंढने को कहा है कि फाइंड आउट और किस किस जगह पर नंबर्स और लेटर्स लिखे होते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि क्लॉक, एक क्लॉक में जो है स्ट्रेट लाइन से इस तरह से कुछ लेटर्स और नंबर्स लिखे होते हैं, और किन किन जगहों पर स्ट्रेट लाइन्स लिखे होते हैं, तो एक आंसर मैं बताता हूँ आपको, वो है कैलकुलेटर। अगर आप कैलकुलेटर देखो तो कैलकुलेटर के जो नंबर्स और जो लेटर्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू लिखे होते हैं। तो आप प्लीज़ एक कैलकुलेटर देख लो, और भी जो चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर लिखो, ठीक है, इसे आप घर पर पूरा करो। तो नेक्स्ट इज डांसिंग लाइंस। तो रेम्या सॉ अ ट्रैफिक पुलिसमैन गिविंग डायरेक्शंस टू व्हीकल्स। रेम्या ने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शंस दे रहा है व्हीकल्स को, तो ये है एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो कि डायरेक्शंस दे रहा है गाड़ियों को। डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम्स मेक कर्व्ड लाइंस, क्या वो ट्रैफिक पुलिसमैन कभी कभी कर्व्ड लाइंस बनाता है? तो आंसर इज यस, कभी कभी जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो कर्व्ड लाइंस बनाता है इशारा करने के लिए, जब ग्रीन सिग्नल होती है और गाड़ियों को आगे बढ़ने को कहा जाता है तो कभी कभी वो कर्व लाइंस का भी यूज करता है। नेक्स्ट इज रम्या ट्राइड टू एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। तो रम्या ने पुलिसमैन को गौर से देखा और फिर जो डायरेक्शंस वो दे रहे थे उन डायरेक्शंस को उसने देखा, और शी ट्राइड टू एक्ट लाइक द ट्रैफिक पुलिसमैन, फिर वो घर पर ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह एक्ट करने की कोशिश की। शी मेड मैनी स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस, उसने कई सारे स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस बनाए। इट वॉज फन, इट लुक्ड लाइक डांस, तो उसे मज़ा आया, उसको लगा जैसे वो डांस कर रही है। तो यहाँ पर एक एंट है, ये एंट कहता है लुक एट हिज आर्म्स, दे लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस। तो आर्म्स कहता है कि ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन है इसके आर्म्स में देखो, दे लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इसका एक आर्म है, जो लेफ्ट वाला आर्म है, दिस इज लुकिंग लाइक अ स्लीपिंग लाइन, और ये जो राइट वाला आर्म है दिस इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो इट इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और लेफ्ट वाला आर्म इज लुकिंग लाइक अ स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट इज ट्राई द डांस स्टेप्स बिलो एंड एंजॉय लाइक रम्या। तो आप भी घर पर ये जो डांस स्टेप्स हैं आप इनको ट्राई करो और आप एंजॉय करो जैसे रम्या एंजॉय कर रही है। तो पहले आप खड़े हो जाओ और अपने राइट हाथ को इस तरह से करो और लेफ्ट हाथ को इस तरह से करो, और इस डांस पोज को आप ट्राई करो और फिर देखो। और फिर नेक्स्ट है आप दोनों हाथों को कुछ इस तरह से करो और फिर आप इसे ट्राई करो, और इस तरह से जितने भी पोजेस हैं आप उन्हें ट्राई करो और देखो कि कैसा आपको लग रहा है। दूसरी चीज़, आपको आइडेंटिफाई भी करनी है कि यहाँ पर कोई स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व्ड लाइन या फिर स्लांटिंग लाइन है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले तो इस वाले पोज को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पोज में कोई स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन और स्लांटिंग लाइन है या नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इसका लेफ्ट और राइट आर्म है, ये राइट आर्म जो है ये है आपका स्लीपिंग लाइन, तो ये है स्लीपिंग लाइन, ठीक है, ये राइट आर्म स्लीपिंग लाइन है। ये जो लेफ्ट लाइन है इसका ये है कर्व्ड लाइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कर्व लाइन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये कर्व्ड है पूरा, तो ये है कर्व्ड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसकी जो पीठ है ये है, इसकी जो पीठ है ये है स्टैंडिंग लाइन, तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से एरो के सहारे कि ये है एक स्टैंडिंग लाइन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें कोई स्लांटिंग लाइन अगर है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक स्लांटिंग लाइन है, ये जो इसका, ये जो एक लाइन है यहाँ पर, ये जो इसका राइट लेग है उसका जो लोअर पार्ट है, ये है एक स्लांटिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लांटिंग लाइन। इस तरह से आप और भी लाइंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और देखो कि और जो दूसरे फिगर्स दिए हुए हैं वहाँ पर कर्व्ड लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइंस कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं इस वाले पोज में ये जो लेफ्ट वाला हाथ है ये क्लियरली एक कर्व्ड लाइन है, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्व्ड लाइन। तो इसको आप एज एन एक्सरसाइज घर पर ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन विद डॉट्स, ज्वाइन द डॉट्स विद कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन्स। इन डॉट्स को आप कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू ज्वाइन करो। मेक योर ओन डिज़ाइंस, आप अपने खुद के डिज़ाइंस बनाओ। तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस दिए हुए हैं और आपको ज्वाइन करके अपने खुद के डिज़ाइंस यहाँ पर बनाने हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ट्राई करते हैं बनाने का। जैसे यहाँ पर एक फिश बनाया हुआ है, तो हम लोग कुछ कर्व्ड लाइंस स्टार्ट, एक स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले, तो डॉट्स को यूज़ करके। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यूज़ किया, इसे भी ज्वाइन करते हैं। तो इन डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा एक स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनाया। नेक्स्ट हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं इन डॉट्स को ज्वाइन करके। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कर्व्ड लाइंस को यूज़ करके हम एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि ये जो कर्व्ड लाइन है इसे हम अच्छे से ड्रॉ करें, तो हम एक इस तरह से एक और कर्व्ड लाइन बनाएं, इस तरह से अगर एक और कर्व्ड लाइन बनाएं, आप प्लीज़ इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये बन गया एक सर्कल, ठीक है। इसे आप अच्छे से बनाना तो ये एक सर्कल ही बनेगा। इस तरह से कर्व्ड लाइंस को यूज़ करके यहाँ पर एक बटरफ्लाई बनाया है, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें बनाओ। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइंस और जो कर्व्ड लाइंस हैं वो क्या क्या हैं। तो जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने बनाया था, तो ये क्या लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ट्रायंगल का, ये वाला जो लाइन है, तो ये लाइन है स्लीपिंग लाइन। तो आप प्लीज़ आइडेंटिफाई भी करना जो लाइंस हैं वो क्या क्या हैं। तो ये है स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट जो ये वाला लाइन है ये क्लियरली है एक स्टैंडिंग लाइन, और ये जो लाइन है हमारा ट्रायंगल का ये है स्लांटिंग लाइन, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली स्लांटिंग वे में है। और बाकी ये एक कर्व्ड लाइन है सर्कल का, तो इसे हम लिखेंगे कर्व्ड लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अलग अलग फिगर्स बनाओ और आइडेंटिफाई करो अलग अलग तरह के लाइंस, जैसे कर्व्ड लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और आप उनको आइडेंटिफाई करके लिखो। नेक्स्ट इज लाइन्स इन पिक्चर्स, नैन्सी सॉ दीज पिक्चर्स मेड बाई फोक आर्टिस्ट। तो यहाँ पर है फोक आर्टिस्ट, तो नैन्सी ने कुछ पिक्चर्स देखे जो फोक आर्टिस्ट ने बनाए थे। तो फोक आर्टिस्ट कौन होते हैं? फोक आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होते हैं या पेंटर्स होते हैं जो ड्राइंग्स बनाते हैं जो ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फोक आर्टिस्ट अपने पेंटिंग्स के थ्रू। तो नैन्सी ने उन पिक्चर्स को देखा। क्वेश्चन इज लुक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लांटिंग एंड स्लीपिंग, और उनको आइडेंटिफाई करो इस पिक्चर में। तो अगर ध्यान से हम इस पिक्चर को देखें तो हमें ढूंढना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स जो कि हैं कर्व्ड लाइन्स, ठीक है, कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लांटिंग एंड स्लीपिंग, और हमें उसे यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि कर्व्ड लाइंस कहाँ पर हैं।
तो हम देख सकते हैं कि ये जो बंदर है, जो उसकी पूंछ है, तो ये जो पूंछ है इस बंदर की, वो एक कर्व्ड लाइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व्ड लाइन, क्योंकि ये कर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्व लाइन। अब चलिए देखते हैं कुछ और। तो ये जो पेड़ है स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं ये स्टंप जैसा है जो जसबीर ने रखा था वॉल के कॉर्नर में, वो कुछ इस तरह का है। तो ये लाइन जो है, ये है एक स्लांटिंग लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लांटिंग लाइन। तो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये जो लाइन है हमारा, आप देख सकते हो, ये वाला लाइन है स्लांटिंग लाइन। एक और लाइन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्लांटिंग लाइन, यहाँ पर इस तरह से कुछ है। तो ये भी है एक स्लांटिंग लाइन। तो यहाँ पर एक स्लांटिंग लाइन आप लिखना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेड़ के ब्रांचेस को देखो, जैसे कि ये वाला ब्रांच है, तो जो ये वाला ब्रांच है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ब्रांच है कर्व लाइन। ठीक है, तो ये होगा कर्व लाइन। तो यहाँ हम लिखेंगे कर्व लाइन। ठीक है, और अगर हम इस कार्ट को देखें, तो इस कार्ट में कुछ लाइंस हैं, सारे लाइंस हैं। तो ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारा, ये कार्ट का जो ऊपर वाला, ये जो लाइन है, ये है एक स्लीपिंग लाइन। तो हम लोग लिखेंगे इसे स्लीपिंग लाइन। ठीक है, एक स्लीपिंग लाइन को आप इस तरह से लिखोगे, तभी आप कार्ट को इस तरह से बना पाओगे। तो ये है एक स्लीपिंग लाइन। और ये जो चक्का है इस कार्ट का, ये सर्कल है, सर्कुलर है शेप में। और सर्कल कैसे बनता है स्टूडेंट्स? तो सर्कल बनता है कर्व्ड लाइन से। तो ये जो पूरा चक्का है इसका, वो है एक कर्व्ड लाइन। चलिए कुछ स्टैंडिंग लाइंस देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो हाथ है इस फिगर में, या फिर इसी कार्ट में देखते हैं, इसी कार्ट में बात करते हैं, तो ये जो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे लाइंस हैं, ये हैं स्टैंडिंग लाइंस। ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं और ये हैं स्टैंडिंग लाइंस। तो जैसे कि ये वाला लाइन है, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया। तो ये इस तरह के जितने भी सारे लाइंस हैं टोटल, ये जो लाइंस हैं सारे, ये हैं हमारे स्टैंडिंग लाइंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप भी और जितने लाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करो, और जितने भी सारे लाइंस हैं आप उनको लिखो। ये स्नेक क्लियरली हम देख सकते हैं कर्व्ड है, तो ये होगा हमारा कर्व्ड लाइन। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं, ये हैं स्लांटिंग लाइंस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, और ये जितने भी सारे लाइंस हैं, ये हैं स्लांटिंग लाइंस। जैसे कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और फिर ये वाला लाइन, ये सारे के सारे स्लांटिंग लाइंस हैं। तो अब यहाँ पर लिखना स्लांटिंग लाइंस। ओके, तो इस तरह से आप सारे लाइंस को देखो, उनको आइडेंटिफाई करो, और जो वो हैं, जैसे कर्व्ड है तो आप उनके सामने कर्व्ड लिखो, अगर स्लीपिंग लाइंस है तो आप स्लीपिंग लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर 11, लाइंस एंड लाइन। आशा करता हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ आया। लास्ट में एक यहाँ पर एक्सरसाइज है, ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स लाइक दीज। तो ये जो पिक्चर हमने अभी देखा, आपको इसी तरह का एक और पिक्चर बनाना है। तो कुछ इस तरह के पिक्चर्स आप बनाओ और लाइंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 11। तो अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 12 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।